सो अगर आप भी बहुत सारा कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा फ़ोन मैं लूँ वीडियोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के लिए और इंस्टाग्राम रील्स के लिए, या फिर मुझे कंटेंट बनाना है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आईफोन लूँ या फिर कोई सैमसंग का अच्छा वाला फ़ोन लूँ, सो आज हम करने वाले हैं बहुत ही तगड़ा कैमरा कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी S21 FE और उसके साथ है आईफोन 12 और इन दोनों के कैमरास वीडियो के डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं और वीडियो के लिए आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, फोटोग्राफी के लिए आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, इन दोनों की ऑडियो क्वालिटी हम टेस्ट करेंगे और सिनेमैटिक शॉट्स भी लेके देखेंगे इन दोनों फ़ोन से और किस फ़ोन से हम अच्छे से सिनेमैटिक शॉट्स ले सकते हैं आईफोन 12 से या फिर सैमसंग गैलेक्सी S21 FE से, कि किसका कैमरा कैसे परफॉर्म करता है और कौन सा कैमरा बेस्ट है। 100% प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली आईफोन 12 या फिर सैमसंग गैलेक्सी S21 FE किसके ऊपर आपको जाना चाहिए, बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फिर स्टार्ट। सो यहाँ पे मेरे पास आईफोन 12 और इसको मैंने परचेज़ किया था पिछले साल और आईफोन सीरीज़ के अंदर बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है। तो सबसे पहले आपको पीछे मिलते हैं दो कैमरास और सबसे पहले आपको मिलता है वाइड लेंस जो हमारा होता है नॉर्मल लेंस जो है 12 मेगापिक्सल का, फिर आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो है हमारा 12 मेगापिक्सल का और ड्यूल कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है आईफोन 12 के अंदर और फिर आपको यहाँ पे मिलता है फ्रंट साइड के अंदर 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। सो फिर आता है हमारे पास यहाँ पे जो सा मैंने रिसेंटली बाय किया है और ताज़ा मेरा खर्चा हो गया जो है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन है एंड्रॉयड सीरीज़ के अंदर सैमसंग का, ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है क्योंकि इसके अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। सबसे पहले हमारे पास आता है वाइड एंगल लेंस, जो सा हमारा नॉर्मल लेंस होता है वो आता है 12 मेगापिक्सल का, जो सा हमारा वाइड लेंस होता है, फिर आता है हमारे पास यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो सा हमें मिलता है 12 मेगापिक्सल का और फिर हमें मिलता है यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है और फ्रंट साइड की तरफ हमें मिलता है यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के अंदर। सो दोस्तों अभी मैं शूट कर रहा हूँ दोनों के फ्रंट कैमरा से 4K 60fps के साथ और थोड़ा सा हम भाग के भी देखेंगे कि वीडियो की स्टेबलाइजेशन कैसे काम करती है फ्रंट कैमरा के अंदर। और एक फ़ोन के अंदर में मिलता है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के अंदर में मिलता है 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के अंदर और आईफोन 12 के अंदर मिलता है फ्रंट कैमरा के अंदर 12 मेगापिक्सल और दोनों के कैमराज आप देख के मुझे बताना कि कौन सा कैमरा आपको बेटर लग रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा हम आगे जाते हैं और हर एक लाइटिंग कंडीशन के अंदर जाके हम चेक करेंगे, ऐसे नहीं घर के अंदर दो फोटो क्लिक कर ली, बाहर आए एक आधी फोटो क्लिक करके दिखा दी छत के ऊपर। प्रॉपर आपको डिटेल दूंगा कि आपके मेहनत के पैसे हैं और आपके मेहनत के पैसे खराब ना हो, तो इसलिए मैं बाहर आया हूँ कि आपको प्रॉपर डिटेल मैं दे पाऊँ। और यहाँ पे हमें मिलता है सैमसंग के अंदर फ्रंट कैमरा के अंदर 32 मेगापिक्सल का सपोर्ट और वहीं पे हमें मिलता है आईफोन 12 के अंदर हमें मिलता है 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। सो अभी मैं जोन सा ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इनके इनबिल्ट माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये भी आपको पता लग जाएगा कि अगर आप व्लॉग्स वगैरह बनाते हो फ्रंट कैमरा से तो कैसे बनेंगे, आपको ऑडियो क्वालिटी कैसे देखने को मिलेगी ये भी आपको पता लग जाएगा। और यहाँ से हम थोड़ा सा भागने वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम थोड़ा सा भागते हैं और दोनों फ़ोन्स को भाई मैं हाथ में लेके भाग रहा हूँ, बहुत गंदा वाला भाग रहा हूँ, सो ये भी आपको पता लग जाएगा। और ठीक है, यहाँ से फिर से एक बार चक्कर लगाते हैं। ओ भाई, तो कुछ इस तरीके से दोनों की वीडियो स्टेबलाइजेशन काम करती है फ्रंट कैमरा से। सो दोस्तों अभी जो से आप वीडियो देख रहे हो शूट हो रही है 1080p 60fps के साथ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE और आईफोन 12 और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे ये टेक्सचर्स को मेंटेन कर रहे हैं और यहाँ पे मेरे पीछे बिल्कुल सनलाइट आ रही है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हाईलाइट शेडोज कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। और इन दोनों के फ़ोन्स के अंदर जो सा इनबिल्ट माइक है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आपको नॉइस कैंसिलेशन पता लग जाए कि कौन सा फ़ोन अच्छे तरीके से आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। सो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के फ्रंट कैमरा के अंदर हमारे पास एक कमाल का फीचर है, अगर हम चाहते हैं कि हम वीडियो को रिकॉर्ड जैसे कि हम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं रियर कैमरा की तरफ शिफ्ट कर जाऊं तो मैं यहां से बटन को दबाऊंगा और मैं इजीली अपना रियर कैमरा भी लेके आ सकता हूँ, मतलब कि रियर कैमरा से मैं वीडियो को शूट कर सकता हूँ। पर आईफोन 12 के अंदर भाई मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मुझे जौन सा कैमरा मैंने पहले चूज़ किया उससे मुझे वीडियो को बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ही कमाल की है, कई बार क्या होता है कि हमें कोई फटाफट चीज़ कैप्चर करनी है, कोई वीडियो मतलब लेनी है, हम किसी अच्छी लोकेशन पर गए हैं जहाँ पर मतलब कि हमें फटाफट कोई सीन लेना है और इस तरीके से भाई यहाँ पर हमारा सैमसंग विनर बन जाता है। तो दोस्तों अगर आप ब्लॉगर हो ना तो ब्लॉगर के लिए ये वाला फीचर उसके फ़ोन के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। वो फीचर हमारे पास आता है यहाँ पे ड्यूल वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब कि ड्यूल वीडियो मोड, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ सैमसंग के अंदर तो मैं अपने आप को भी दिखा सकता हूँ और जो सा आपको कैमरा दिख रहा है उसको भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। सपोज करो कि आप किसी ऐसी लोकेशन पर गए हो जहाँ पर आपको उसको भी दिखाना है और आप जो बोल रहे हो उसको भी आपको कैप्चर करना है,
तो यहाँ पे आप सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के अंदर ये फीचर को यूज़ करके अपने व्लॉग्स को अच्छा बना सकते हो, पर आईफोन 12 के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको व्लॉग वगैरह शूट भी करना है तो पहले आपको फ्रंट से करना पड़ेगा, फिर आपको रियर से करना पड़ेगा, या फिर आप उसको फ्लिप कर सकते हो अगर आपको आता है तो, वैसे आप फ्लिप करके वीडियो को बना सकते हो, मतलब कि ऐसे करके। पर इसके अंदर जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आता है ड्यूल वीडियो मोड, तो इसकी वजह से आप बहुत ही अच्छे तरीके से व्लॉग्स को शूट कर सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी कमाल के हमें कैमरा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के अंदर, और सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पे प्रो वीडियो मोड। सो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी सेटिंग्स को मैनुअली एडजस्ट करके वीडियोस को शूट कर पाओ, और आप कोई भी फ्रेम रेट यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि किसी भी फ्रेम रेट पे आप चूज़ करके उसको वीडियो को शूट कर सकते हो, मतलब कि आपने सपोज करो कि फ्रेम रेट चूज़ किया है 4K 24 FPS, और यहाँ से आप मैनुअली अपने ISO को सेट कर सकते हो, ठीक है। ISO आपने क्या रखना है वो भी आप सेट कर सकते हो, शटर स्पीड आपने क्या रखनी है वो भी आप सेट कर सकते हो, फोकस आपने कैसे करना है मैनुअली आप फोकस कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक और कमाल का फीचर मिलता है जो कि और किसी फ़ोन में अवेलेबल नहीं है, मतलब कि होगा तो मुझे बता देना, पर मुझे लगता है कि ये फीचर नहीं है किसी और फ़ोन में। वो ये है कि हम इस फ़ोन के साथ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के साथ जो से हमारे एयरबड्स होते हैं उसको भी यूज़ करके अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सपोज करो कि आपके पास एयरबड्स हैं और आपके पास माइक नहीं है, तो सिंपली आपने इसके ऊपर जाना माइक वाले ऑप्शन के अंदर, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्लूटूथ मिक्स का या फिर ब्लूटूथ का, कि जिसकी वजह से आप अपने एयरबड्स को यूज़ करके अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो व्लॉगिंग करते वक्त। पर ये फीचर हमें आईफोन 12 के अंदर नहीं मिलता है, इसके साथ हमें माइक यूज़ करना ही पड़ेगा, या फिर हम इसका इनबिल्ट माइक ही यूज़ कर सकते हैं। और बाहर आने के बाद हमें यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं कि आप डायरेक्टली हाइपरलैप्स रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। और रियर कैमरा के अंदर आपको मिलता है पोर्ट्रेट वीडियो का सपोर्ट, मतलब कि आप रियर कैमरा से भी बैकग्राउंड ब्लर करके वीडियोस को ले सकते हो, पर आईफोन 12 से नहीं ले सकते हो। सो यहाँ पे अगेन जो विनर बनता है यहाँ पे वो बनता है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, क्योंकि इसके अंदर मिलता है यहाँ पे पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन। सो आईफोन 12 की जो सी कैमरा ऐप है उसके जो से फीचर्स हैं वो बहुत ही आसान है। सो यहाँ पे आईफोन 12 के अंदर आपको सारे फीचर्स आसानी से देखने को मिल जाते हैं। जस्ट आपने वीडियो के ऊपर जाना है, फिर आपने जाना स्लो मोशन के अंदर, फिर आपको मिल जाता है टाइम लैप्स, और फिर आपने जाना वीडियो मोड के अंदर, पोर्ट्रेट मोड हो गया, फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं ऊपर, ठीक है, कि आपने कितने रेजोल्यूशन पे शूट करना है, 4K पे करना है या फिर 1080p पे। अगर आप चाहते हो कि सारी कैमरा ऐप को एक्सेस कर पाओ तो सबसे पहले आपने जाना आईफोन की कैमरा सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ से आपने चूज़ करना है कैमरा, और कैमरा के अंदर आके आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे आईफोन के अंदर कि आपने किस सेटिंग्स का यूज़ करना है। रिकॉर्ड वीडियो करके आपको मिल जाएगा कि आपने किस फॉर्मेट पे शूट करना है, स्लो मोशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ऑडियो के लिए मिलता है स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग, मतलब कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हो कि आईफोन की कैमरा सेटिंग्स आपने कैसे यूज़ करनी है सिनेमैटिक वीडियोस के लिए। सो आईफोन की कैमरा ऐप को ऑपरेट करना बहुत ही ईजी है, और अच्छे से आप उसको यूज़ कर पाओगे एज अ बिगनर भी। अगर आपने नया फ़ोन लिया, आईफोन लिया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो दोस्तों, अभी आप जौन सी फुटेज देख रहे हो, मैं शूट कर रहा हूँ 4K 60 FPS के ऊपर, और ये दोनों के रियर कैमराज हैं जो से हमारे नॉर्मल लेंस होते हैं, और इनका जो सा इनबिल्ट माइक है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर पता लग जाए कि कौन सा माइक बेटर परफॉर्म कर रहा है, सैमसंग का या फिर एप्पल का। और यहाँ से आप स्काई का टोन भी चेक कर सकते हो कि जो सा वो हल्का हल्का टेक्स्चर आ रहा है ना ब्लू के बीच में वाइट सा, वो भी अच्छे तरीके से दोनों फोन्स मैनेज कर रहे हैं, मतलब कि अच्छे टेक्स्चर्स मतलब कि लेके आते हैं दोनों फोन्स। सो दोस्तों, मैं शूट कर रहा हूँ दोनों के रियर कैमरा से 1080p 60 FPS के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास आईफोन के अंदर एक और कमाल का फीचर हमें देखने को मिल जाता है कि अगर आप शूट कर रहे हो 60 FPS के ऊपर वीडियो को शूट कर रहे हो आईफोन 12 से, तो इजीली आप स्विच कर सकते हो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के ऊपर कुछ इस तरीके से, ठीक है, लाइक कुछ इस तरीके से 1x के ऊपर और 0.5x मतलब कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के ऊपर आप इजीली स्विच कर सकते हो, पर आप सैमसंग के अंदर स्विच नहीं कर सकते, आपको सिर्फ एक ही लेंस देखने को मिलता है 60 FPS के ऊपर जो कि आप यूज़ कर सकते हो 1x। तो यहाँ से सनलाइट पूरी हमारी ऊपर आ चुकी है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन सा फ़ोन बेटर परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। सो आईफोन के अंदर हमें एक और कमाल का फीचर बस यही मिलता है कि हम वीडियो को शूट करते टाइम भी अपने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सैमसंग के अंदर जूम कर सकते हैं पर वाइड एंगल लेंस यूज़ नहीं कर सकते। दोनों के दोनों फ़ोन्स वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, और इनका इनबिल्ट माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ, और थोड़ा सा हम भाग के देखते हैं यहाँ से, ठीक है, और चेक करके देखते हैं कि दोनों के दोनों कैमराज के अंदर स्टेबलाइजेशन कैसे काम करती है, क्योंकि दोनों फ़ोन्स के अंदर हमें OIS का सपोर्ट मिलता है। और अब मैं यहाँ से थोड़ा सा भागता हूँ, और भाग भाग के भाई भूख लग गई। सो यहाँ से हम फिर से वापस जाते हैं। ओके, सो आप मुझे बताना कि किसकी स्टेबलाइजेशन आपको अच्छी लग रही है, आईफोन 12 की या फिर सैमसंग गैलेक्सी S21 FE की। और बहुत ही मैं गंदे तरीके से उसको ला रहा हूँ। सो कुछ इस तरीके से दोनों कैमराज परफॉर्म करते हैं रियर से। सो अभी आप जो सी वीडियो देख रहे हो शूट हो रही है 1080p 30 FPS के ऊपर, और ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे दोनों कैमरा से, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE और आईफोन 12। और यहाँ से आप देख सकते हो कौन सा फ़ोन बेटर परफॉर्म कर रहा है।
टाई कर रहा हूँ यहाँ पे, भी काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो सैमसंग के अंदर हैं और कुछ फीचर्स हैं जो आईफोन के अंदर हैं, पर सैमसंग के अंदर जो से फीचर्स हैं वो आईफोन के अंदर नहीं है, और आईफोन का थोड़ा सा प्राइस भी थोड़ा सा हाई है सैमसंग से अगर मैं बोलूं, पर डिस्काउंट वगैरह लगा के आपको आईफोन 12 भी सस्ता मिल जाएगा जैसे फेस्टिवल वगैरह आते हैं। सो अगर आप आईफोन यूज़र हो शुरू से, आईफोन 6, 7, 8 आप यूज़ करते आए हो, तो आप स्विच कर सकते हो आईफोन 12 के ऊपर, क्योंकि ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है आईफोन वालों के लिए, और इससे अच्छा आईफोन आपको नहीं मिलेगा इस प्राइस रेंज में, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि लेटेस्ट आईफोन के अंदर है, सिर्फ एक सिनेमैटिक मोड को छोड़ के। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का कमाल का कैमरा कंपैरिजन, आईफोन 12 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। और अब बात करते हैं कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट है। अब सपोज करो कि अगर आप सारा सारा काम एक ही फ़ोन से करते हो, आपने वीडियो को एडिट भी करना है और आपको सारे सारे फीचर्स चाहिए, मतलब कि आपको सब कुछ चाहिए आपके एक फ़ोन के अंदर ही, तो आपको जाना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के ऊपर। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो, आपको एंड्रॉयड का ही फ़ोन चाहिए, तो इससे अच्छा फ़ोन और कोई नहीं है। और बहुत सारे बंदों ने मुझसे पूछा कि भाई ये फ़ोन हीट होता है क्या, मतलब कि इसके अंदर हीटिंग इश्यूज़ आते हैं। तो भाई अगर आप धूप के अंदर किसी भी फ़ोन को या किसी भी कैमरा को यूज़ करोगे ना, तो हीटिंग तो उसके अंदर आएगी आएगी, क्योंकि हीट तो होता ही होता है। और यहाँ पे आईफोन 12 के अंदर भी हीटिंग थोड़ी सी आई है, और सैमसंग गैलेक्सी S21 FE भी थोड़ा सा हीट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा है और धूप के अंदर मैंने 4K पे वीडियो को शूट किया। तो भाई यार थोड़ा सा ध्यान में रखो कि यार 4K पे वीडियो को शूट किया जा रहा है, और 4K की वजह से थोड़ा सा लोड पड़ता है फ़ोन के अंदर, प्रोसेसर के अंदर, तो फ़ोन हमारा हीट हो गई होगा। ऐसा नहीं कि बिना बात पे हीट हो ही जा रहा है सैमसंग वाला फ़ोन, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, खुद के पैसे लगाए हैं और खुद के पैसे मैं वेस्ट नहीं करूँगा। तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE को, और आईफोन 12 उनको लेना चाहिए जिनको चाहिए बस एक वीडियो का काम चाहिए, कि वीडियो उनकी बहुत अच्छे तरीके से बने, और iOS का उनको सपोर्ट चाहिए कि iOS की जौन सी ऐप्स हैं, और उनको आईफोन ही चाहिए, और आईफोन के अंदर वो स्विच करना चाहते हैं आईफोन SE से या फिर आईफोन 7, 6 से, तो आईफोन 12 बजट के अंदर बहुत ही अच्छा फ़ोन है, बहुत ही डिसेंट फ़ोन है कैमरा के डिपार्टमेंट के अंदर। पर उसके अंदर हमें कुछ फीचर्स ऐसे नहीं मिलते हैं जो सैमसंग के अंदर मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उन फीचर्स को इग्नोर कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप आईफोन 12 बाय कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए कि सारे फीचर्स आपके एक ही फ़ोन के अंदर, तो आपको जाना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के ऊपर। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा ऐसे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।